नालासोपारा पूर्व के गालानगर इलाके में नागेला तालाब के पास बीते 17 मई को शाम में हुई सनसनीखेज हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। तीन दोस्तों के बीच हुई लड़ाई और खूनी संघर्ष में रौनक तिवारी नाम के युवक की मौत हो गई थी और अब इसी मामले में इस घटना में पीड़ित दूसरे युवक किशन झा की भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। नालासोपारा में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरीके से सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई है और अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर इस पूरे मामले में कातिल कौन है, किसने दो लोगों की हत्या की। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में तीन दोस्त जिनके नाम रौनक तिवारी, किशन झा और शिवम मिश्रा है, ये तीनों दोस्त नमस्ते टी कैफे नामक दुकान में दोपहर लगभग 3:30 बजे इकट्ठा हुए थे। इस दौरान अचानक दुकान में आग लगी और मामला लोगों के सामने आया। लोगों ने इसे सिलेंडर में लगी आग के तौर पर इस घटना को समझा, लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला। इस घटनाक्रम में रौनक तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके गले में चाकू गोदा गया था। इसी के साथ ही दूसरा युवक किशन झा इस मामले में बुरी तरह जख्मी था, जिसे मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती किया गया था और लगभग 24 घंटे के बाद इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई है। अब इस मामले में एकमात्र जीवित युवक शिवम मिश्रा है, जिस पूरे मामले को पूरी तरह से जानता और समझता है, लेकिन अभी तक उसने इस पूरे प्रकरण में अपना मुंह नहीं खोला है। मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने अभी तक इस पूरे प्रकरण में उस एंगल को तलाश करना जारी रखा है, जिसकी वजह से दो युवकों की मौत हो चुकी है और एक युवक मुंबई के KM अस्पताल में भर्ती है। इस सनसनीखेज वारदात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर दोस्ती में यह दगा है, किसी लड़की का चक्कर है या फिर पैसों की लेन देन। इन्हीं तीन एंगल के बीच ये पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अभी तक कोई पुख्ता जवाब सामने नहीं आया है। तो तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।